So students, now I'll solve exercise 1.2. Rational numbers mein last exercise, which is very very small and sweet si exercise 1.2. First question is represent these numbers on number line. Means we need to prepare number line. Represent these numbers on the number line. First is 7/4. Question number 1 का first part है 7/4. Student, हमने number line को बहुत अच्छे से deeply study किया. हमने देखा कि 0 के left side में जो होते हैं negative integers होते हैं, right side में जो होते हैं positive integers होते हैं. But इस तरह के जो question हमें करना है number line पे, उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम इन्हें divide देके देखेंगे. Numerator is greater or lesser. यहाँ पर numerator greater है denominator से. इसका answer जो है almost 2 आएगा, है ना? Exact 2 नहीं आएगा, because 8/4 होता तो इसका आंसर एग्जैक्ट 2 आता. बट यहाँ पर जो आंसर है दैट इज लेस देन 2. तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन बनाने के लिए, हम इसके दो पार्ट तो मिनिमम करेंगे. थोड़ा सा हम यूनिट जो है साइज बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके पार्ट करने हैं. वैसे हमारा नंबर लाइन कैसा होता है, छोटा सा, हम 0 तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3. बट इसी 1 को हम थोड़ा सा बिगर ले रहे हैं. सिमिलरली ये 2 को जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, यूनिट का साइज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 4 पार्ट्स, बिकॉज हमारा क्या है 7/4. 4 पार्ट करने के लिए हम 3 डॉट लगाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3 एंड 4. सिमिलरली हमने यहाँ भी 3 डॉट लगाए, सॉरी, तो अगेन यहाँ पर 1, 2, 3, 4. ये हमारा 1 सेंटीमीटर ही है, बट हमने 1 सेंटीमीटर को इंक्रीज साइज में ले लिया, क्योंकि अगर हम 1 के 4 पार्ट करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे दिखेंगे. ठीक है, अब हमारा ये क्या होना चाहिए, 1/4. दिस शुड बी 2/4, दिस शुड बी 3/4, ये होगा आपका 4/4, मीन्स 1. देखिए वेरीफाई भी हो रहा है. 5/4, 6/4, 7/4, एंड ये एग्जैक्ट अपना हो जाएगा 8/4, मीन्स 2. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है 7/4. तो नंबर लाइन पर 7/4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा. एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, जो भी फ्रैक्शन दिया, जो भी रैशनल नंबर दिया है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखेंगे. अगर न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड देके ही प्रोसेस करेंगे. हमने इंटरनली 7/4 का डिवाइड दिया. 4 2 8 होता है, मीन्स 2 से लेस इसका आंसर है. तो हमने क्या किया, 2 यूनिट ले लिए. हम कोई और एग्जांपल ले लें, लाइक आई एम टेकिंग 11/4. तो 4 3 12 होता है, ठीक है. तो मीन्स हम जो यूनिट साइज लेंगे वो क्या लेंगे, 0 1 2 3, यहाँ पे हम और इसको इंक्रीज कर देते, 3 के अंदर इसका काम हो जाएगा. अब हमें 4 पार्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये हो गए 4 पार्ट. सिमिलरली 1 2 3, ये हो गए 4 पार्ट. 1 2 3, ये भी हो गए 4 पार्ट. अब देखिए आपका कितना इजीली हो जाएगा, दिस इज 1/4, 2/4, 3/4, ये आपका हो गया 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ये आपके हो गया 8/4, मीन्स दिस इज 2, 9/4, 10/4, और आपकी रिक्वायरमेंट थी 11/4. सो ये पॉइंट आपका आंसर होगा. बट ये कौन सा केस है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. तो आपने क्या करा, उसको इंटरनली डिवाइड देके देखा. एग्जैक्ट डिवीजन इसका 3 होता, अगर ये 12 होता तो 3 तक का हमने यूनिट साइज लिया और उसके अंदर उसके डिवीजन कर दिया. ठीक है, तो हमने क्या किया, 7/4 को नंबर लाइन पे बनाया, तो कहां पर आएगा, 2 से थोड़ा सा पहले. सो दिस इज योर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4. सेकेंड, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है -5/6.
नाउ हेयर न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला केस हमने ग्रेटर का पढ़ा। दूसरा यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप बताएंगे जीरो के राइट साइड आएगा कि जीरो के लेफ्ट? यस लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं एंड राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर अब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जब इसका करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में ज्यादा आएगा। हमने यहाँ पे जीरो ले लिया, अब हमें राइट साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड जीरो इज योर ओरिजिन। न्यूमरेटर छोटा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सिर्फ वन यूनिट को ही काफी बड़ी ले लेंगे। ये वही वन यूनिट है जो स्केल में हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, उसको हमने एनलार्ज करके ले लिया है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? माइन, इसके 6 पार्ट्स कर दें हम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये थोड़ा सा हमारा छोटा बड़ा हो गया, हम इसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा डार्क वाला एंड दिस वन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा -1/6, दिस इज -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड फाइनली इट इज -6/6 मीन्स -1। यानी हमने एक यूनिट के ये 6 पार्ट कर दिए, उसमें से हमें क्या चाहिए था? -5/6। सो दिस विल बी योर पॉइंट। नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर आ रहा है? एक तो लेफ्ट साइड में आ रहा है और दूसरा इस प्लेस पर आ रहा है। ये केस ज्यादा सिंपल है जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आपको एक ही यूनिट को बड़ा करके उसके पार्ट्स करने हैं। बट जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आपको थोड़ा सा डिवीजन मन में करना है और उसके बाद उतना जो भी ऑलमोस्ट डिवीजन आ रहा है, लाइक 7/4 था तो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2 है, तो 2 तक का हमने यूनिट साइज लेके सॉल्व किया। ठीक है, सो दिस वर द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट सो एंड सो नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ भी वही तरीका हम फॉलो करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन नंबर लाइन। न्यूमरेटर स्मॉलर है और नेगेटिव है, तो हमने थोड़ा सा इधर का लेफ्ट साइड का पार्ट ज्यादा बड़ा ले लिया, क्योंकि हमारी नंबर लाइन कहाँ, मतलब कहाँ पे प्लॉटिंग होगी हमारी? लेफ्ट साइड में। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वन यूनिट जो अभी हम इतना लेते थे, अब हम और बड़ा लेंगे, दिस इज माय वन। इसके हम कितने पार्ट कर देंगे? 11, बिकॉज हमें 2/11, 5/11 एंड 9/11 पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? -1/11, ये -1 हो जाएगा, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/, -7/, -8, -9, जब तक करते जाएंगे जब तक 11/11 ना आ जाए, -11/11, तो ये हो जाएगा आपका -1। वैसे भी जीरो और ये सेकेंड जो हम जो भी लेते हैं वो क्या होता है? -1। ठीक है, तो हमने क्या करा? 0 से लेके -1 तक के 11 पार्ट्स कर दिए। अब हमें क्या फाइंड करना था उस पर ध्यान देना होगा। हमें रिप्रेजेंट करना था -2/11, तो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, दिस इज योर आंसर। एक आंसर होगा आपका -5/11 और एक आंसर होगा -9/11। ठीक है, मीन्स आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो डिसाइड किया लेफ्ट साइड में आएगा या राइट में, बिकॉज इट इज ए नेगेटिव नंबर सो इट विल गो इन टू द लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड। अब उसके बाद क्या किया हमने? एक पूरा वन यूनिट जो होता है उसे काफी बड़ा सा ले लिया, क्योंकि हमें उसे 11 पार्ट करने हैं। फिर उनकी नंबरिंग दे दी और जो आंसर पूछा था उसके हिसाब से आपका टिक मार्क आपने कर दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ थर्ड इज, राइट 5 rational numbers विच आर स्मॉलर देन
टू, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. राइट फाइव रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू. नंबर लाइन हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए. नंबर लाइन हमारी जो होती है नेगेटिव से स्टार्ट होती है, बीच में ज़ीरो. दीज आर नेगेटिव नंबर्स, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. स्मॉलर देन टू, सबसे पहले टू कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे वन टू. टू से स्मॉलर कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स. आप काउंट करते करते थक जाएंगे, इतने नंबर्स टू से स्मॉलर हो सकते हैं. बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं किया कि टू से स्मॉलर कहाँ तक, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं. माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टू, जितने नंबर चाहे आप उतने ले सकते हैं. बट दे आर आस्किंग ओनली फाइव, तो वॉट विल योर आंसर. योर आंसर विल बी वन हो सकता है, जीरो, माइनस वन, टू, थ्री, जितने आपको चाहिए. आपको हाफ्स में लेने हैं तो आप यहाँ पर हाफ्स वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि टू से वन के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, वन से जीरो के बीच में भी यहाँ पर हाफ आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हाफ आ जाएगा. आप जो नंबर चाहें वो ले सकते हैं, आप बाउंडेड नहीं हैं. बट हम क्या करेंगे, टू यहाँ पे वन एंड हाफ आ जाएगा, मीन्स वन, वन बाई टू. तो आप चाहें तो एक ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये पांच चाहिए, पांच कैसे भी आप काउंट कर सकते हैं. तो आपका आंसर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू से स्मॉलर. आप चाहें तो माइनस हाफ, ज़ीरो, हाफ और वन तो भी हो गए. जितनी आपकी मर्जी, आपको चाहिए माइनस वन तो माइनस वन ले लें, जो आप चाहें वो नंबर चूज कर सकते हैं. बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड नंबर विच आर स्मॉलर देन टू, तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स दो से छोटे हो सकते हैं. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है फोर्थ. फाइंड टेन रैशनल नंबर. अब बिटवीन दे दिया, आप दो नंबर दिए हैं तो अब आप रिस्ट्रिक्टेड हैं. अब इनफाइनाइट आपको पता करने पड़ेंगे कितने हो सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट अभी हमने सेकेंड एंड थर्ड भी सॉल्व किया. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन. फाइंड टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू. थर्ड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों नंबर दिया हुआ है. किसके बीच के नंबर हमें फाइंड करने हैं ये हमें गिवन है, तो अब हमें इन दोनों के बीच के ही नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइव नंबर्स रैशनल, जितने भी फाइव नंबर्स, टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन स्मॉलर देन टू, मतलब टू से कितना छोटा हमें नहीं गिवन था. बट यहाँ पर हमें दोनों नंबर गिवन है. जब दो नंबर दिए हों तो हम सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. पहला ले लिया हमने माइनस टू बाई फाइव, इसको हम सेम बनाएंगे. तो हम क्या करेंगे, माइनस टू बाई फाइव में टू का मल्टीप्लाई एंड टू का डिवाइड. रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम इसे क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. अभी हमारा टेन बन गया. सिमिलरली हाफ जो है तो इसे हम फाइव से मल्टीप्लाई करके इसका भी डिनोमिनेटर 10 ही बनाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर में हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे कि ये नंबर कहाँ आएगा, ये नंबर कहाँ आएगा. बट नाउ वी हैव डिनोमिनेटर 10, तो अब हम इसके नंबर्स बता सकते हैं कि क्या होंगे. माइनस फोर बाय टेन है एंड फाइव बाय टेन है, इनके बीच के नंबर हमें बताने हैं. ऑब्वियस क्या होंगे, माइनस थ्री बाय टेन, माइनस टू बाय टेन, माइनस वन बाय टेन, ज़ीरो, वन बाय टेन प्लस का, टू बाय टेन, थ्री बाय टेन एंड फोर बाय टेन. ठीक है, देखिए आप इसको नंबर लाइन पे भी इजीली बना सकते हैं. ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये ज़ीरो हो गया, आपने पॉजिटिव इधर मिल गया है, इधर माइनस फोर है. थ्री, टू, वन, ये हो गया माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर. डिनोमिनेटर तो आपका 10 है ही, तो देखिए आपने कितने सारे नंबर फाइंड कर लिए. कैसे किए, हमने डिनोमिनेटर को सेम बना दिया. अब इनको काउंट कर लीजिए, ये 10 होना चाहिए बिकॉज आवर क्वेश्चन सेज फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस. अब हम काउंट करें, इन्हें हम नहीं लेंगे बिकॉज इनके बीच का नंबर हमें पता करना है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, दीज आर एट रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू नंबर्स. बट आवर क्वेश्चन वॉज फाइंड 10 रैशनल नंबर, तो
अभी क्या होगा, इसके आगे हमें और सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमारा नंबर जो है कन्वर्ट होके बन गया था 4/10, एंड दूसरा नंबर जो था हमारा कन्वर्ट होके बन गया था 5/10। इन दोनों ये इक्विवेलेंट था आपका, ये -2/5 था एंड ये वाला नंबर आपका हाफ था, ठीक है। कुछ नहीं किया था हमने, डिनोमिनेटर को सेम बनाया था, बट ये बनाने के बावजूद हमें फायदा नहीं मिला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें 80 रैशनल नंबर्स मिले। तो हम इसे और आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर और इंक्रीज करने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, रैशनल नंबर में हम कुछ भी कर सकते हैं बट सेम होना चाहिए। तो अब ये हमारा नंबर बन जाएगा -8/20 और ये हमारा नंबर बन जाएगा 10/20। सो नाउ योर नंबर इज -8/20 एंड 10/20। अब इनके बीच के हम नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा, -7/20, -6/20, -5/20। डिनोमिनेटर तो सेम बन ही चुका है, तब आपको केवल नंबर लिखना है, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20 एंड सो ऑन टिल 10/20। इसमें से कोई आप 10 नंबर ले ले, क्योंकि आपको 10 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। अब हमने 10 से भी ज्यादा निकाल के बता दिए, उसमें से आप एनी 10 लेके आंसर दे सकते हैं कि दीज आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता अगर वो बोलते फाइंड 5 रैशनल नंबर्स और 6 रैशनल नंबर्स, तो आपका यहीं पे स्टॉप हो जाता, बट दे हैव आस्क्ड फाइंड 10 रैशनल नंबर और यहाँ पर हमने केवल 8 ही निकाल के बता पाए हैं, तो हमें से और डिनोमिनेटर को एक्सपांड करना पड़ा और उससे हमारा जो है वो रैशनल नंबर का साइज बड़ा हो गया और उसके बीच के हमने नंबर फाइंड कर लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस पर बेस जरूर आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दिस, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। यहां पर भी हमें मिनिमम 5 चाहिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट इज 2/3 एंड 4/5। इन दोनों के बीच के हमें नंबर फाइंड करना, क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ माई नंबर इज 10/15। सिमिलरली 4/5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर क्रॉस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12/15। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास आ गया है 10/15 एंड 12/15। इसके बीच के हम रैशनल नंबर अगर लिखें तो केवल एक ही रैशनल नंबर आ रहा है। अगर वो पूछते कि फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, बट दे हैव आस्क्ड फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो यहाँ तक कुछ गलत नहीं है, बट यहाँ हमने कम निकाले हैं, ठीक है। तो हम इसको और आगे एक्सपांड करेंगे। अब हमारे नंबर क्या बन चुके थे, 10/15 एंड दूसरा हमारा बन चुका था 12/15। तो हम इसे इंक्रीज करने के लिए क्या कर देंगे, अगेन इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने किया 2 का मल्टीप्लाई, सिमिलरली हमने यहाँ भी किया 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आया 20/30 एंड यहाँ हमारा आया 24/30। बट हमारा फिर वही प्रॉब्लम आया, देखिए आप 20/30 एंड 24/30 के बीच केवल 3 नंबर आ रहे हैं, 21/30, 22/30 एंड 23/30। स्टिल आवर पर्पस हैज नॉट बीन सॉल्व, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 30 ना बना के 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके 4 से कर देंगे। ये जो हमने करके देखा, ये हमें करके देखना होगा, क्योंकि आपको आंसर तो नहीं पता है, बट आपने जब करके देखा देन रियलाइज किया कि हमें 5 चाहिए और अभी भी हमें 3 ही नंबर मिले हैं, तो क्यों ना हम इसका डिनोमिनेटर बढ़ा दें, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट था 10/15 एंड सेकेंड था 12/15, 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सो हम क्या कर देंगे,
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये आया हमारा 40/60 एंड ये हमारा आया 12 4 48/60। अब आप देखें 40/60 एंड 48/60 के बीच कितने नंबर आएंगे, 41/60, 42/60, 43, 44, 45, जितने हमें चाहिए थे उतने मिल रहे हैं, ठीक है, 46 एंड 47, कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ वी हैव 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, बट इसको हमें क्या करना पड़ा, 2 बार डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ा और इक्वल भी बनाना पड़ा। इक्वल तो हमारा पर्पस होता ही है बनाना डिनोमिनेटर को, पर साथ में उसको बड़ा भी, साइज में भी बड़ा बनाना पड़ा, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है, दैट इज -3/2 एंड 5/3, इसको हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। पहला हमारा नंबर है -3/2, क्रॉस में हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट -9/6। सिमिलरली 5/3 है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 10/6। हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, -9/6 से 10/6 के बीच में। देखिए हमें मिल रहे हैं क्या, बहुत सारे मिल रहे हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 एंड सो ऑन टिल 10/6। 5 क्या हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, तो हम इसमें से कोई भी 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे और आगे एक्सपांड करना पड़ा नहीं, बिकॉज हमें इन दो के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स मिल गए हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का साइज कि उतने कितने नंबर हमसे पूछे हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है 1/4 एंड 1/2, थर्ड इज फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, एंड सिमिलरली 1/2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 2/8 एंड 4/8। हम यही चेक कर लेंगे 2/8 एंड 4/8 के बीच में केवल एक ही नंबर मिल रहा है, दैट इज 3/8। तो क्या हम इसे यहीं स्टॉप करेंगे, नहीं, हम इसे और आगे करेंगे। तो मैं यहीं इमीडिएटली इसका डिनोमिनेटर बढ़ा लेती हूँ। नाउ आई विल मल्टीप्लाई 2 एंड 2, सो वॉट यू विल हैव 4/16। एंड सिमिलरली जब हमने यहाँ किया तो हमें मिला 8/16। अभी भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, 4/16 8/16 के बीच में हमें कम नंबर मिल रहे हैं, 5/16, 6/16 एंड 7/16। विल हैव ओनली 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 टर्म। तो अब क्या करेंगे, हम इसे और एक्सपांड करेंगे, और एक्सपांड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 का, सो विल गेट 8/, थोड़ा सा मैं यहाँ इसको रब कर दूं, हमारा ये जो नंबर था अब 4/16 बन चुका है, हम इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 8/32। सिमिलरली हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 16/32। अब हमें 5 नंबर मिल सकते हैं, 8/32 एंड 16/32 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 9/32, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कितने चाहिए थे उसमें से आप ले लीजिए जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मींस ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि हमें इसको मल्टीप्लाई कर करके डिनोमिनेटर को एक्सपांड करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर ये कहते थे फाइंड 10 रैशनल नंबर, तो अभी ये और आगे एक बार मल्टीप्लाई होता, ठीक है, बट डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ये कन्फर्म है, और उसको जब तक बनाते जाइए जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है।
Now, last two simple questions of this exercise are, write five rational numbers. Write five rational numbers greater than minus 2. Greater than minus 2. नंबर लाइन हमारी कैसी होती है? माइनस टू लेफ्ट साइड में आएगा जीरो के. दिस इज जीरो मीन्स ओरिजिन. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. यहाँ हमारा माइनस वन आएगा, यहाँ हमारा माइनस टू. माइनस टू से बड़े मीन्स माइनस टू से हमें राइट साइड में जाना है. बट दे हैव नॉट सेड इन द क्वेश्चन दैट कितने रैशनल नंबर कहाँ तक हमें आगे तक जाना है. दे सिंपली से फाइव रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस टू. माइनस टू से बड़ा कुछ भी हो सकता है. माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट. ठीक है, तो हम सिंपल अपना सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें तो पता है ये अनलिमिटेड नंबर्स हो जाएंगे. तो हम माइनस वन ले लें, जीरो ले लें, वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, हो गए फाइव. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. या आपको अगर लग रहा है कि हमें हाफ्स लेना है तो आप हाफ्स वाले ले लें. ये हो गया माइनस टू. आप ये वाला नंबर ले लें, इसको भी छोड़ दीजिए, ये वन एंड हाफ आएगा. ये हो गया माइनस हाफ, ये हो गया प्लस हाफ, वन, वन एंड हाफ, टू. जो आपको लेना है आप उतने नंबर्स ले सकते हैं. ये हो जाएगा, अगर इसको भी चाहें तो ये आपको होगा वन एंड हाफ मीन्स माइनस थ्री बाई टू. क्यों ये माइनस थ्री बाई टू है? यहाँ का नंबर वन और टू के बीच का होता है वन एंड हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं थ्री बाई. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट कंपल्शन कि आप मैंने जो नंबर लिए हैं वही लीजिए. आप ले सकते हैं माइनस टू से बड़े माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री. आपको लग रहा है कि मुझे फोर, फाइव, सिक्स लेना है तो आप माइनस टू से बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस माइनस टू से छोटे हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंड ओरल क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड टेन रैशनल नंबर सेवेंथ. Find 10 rational number between 3 by 5 and 3 by 4. Same procedure, number लेंगे, इसका denominator हम same बनाएंगे. इसमें 4 का multiply हो जाएगा, so it will give you 12 by 20. Similarly, 3 by 4 में 5 का multiply करेंगे denominator same बनाने के लिए, so ये आपको मिल जाएगा 15 by 20. 12 by 20 और 15 by 20 के बीच में केवल दो तीन ही number आ रहे हैं, 13 by 20 and 14 by 20. Means हमें क्या करना है? इसको expand करना है, ठीक है? क्योंकि ये यहीं पर solve नहीं होगा. अब क्या करेंगे हम इसमें? 2 का multiply फिर से करेंगे. तो ये बन जाएगा 24 अपॉन 40. सिमिलरली इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30 अपॉन 40. बट स्टिल यहाँ पर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. 24 अपॉन 40 और 30 अपॉन 40 के बीच में भी 10 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे. कैसे? 25 अपॉन 40, 26, 27 अपॉन 40, 28 अपॉन 40, 29 अपॉन 40. 5 ही रैशनल नंबर्स आ रहे हैं. क्या करेंगे इसे? और आगे कंटिन्यू करेंगे. इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 80. इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 80. सो नाउ और फ्रैक्शन 3 बाय 5 इज कन्वर्टेड इनटू 48 अपॉन 80 एंड दूसरा हो गया है 60 अपॉन 80. शायद इनके बीच हमें 10 नंबर्स मिल जाए. हम लिख के देखेंगे 49 अपॉन 80, 50 अपॉन 80, 51 अपॉन 80 एंड सो ऑन. ये हो जाएगा 59 अपॉन 80. यहाँ पर हमें 10 रैशनल नंबर इनके बीच में मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर की लगी कि हम इसमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई एंड वही सेम नंबर का डिवाइड करें तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है.
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने बार बार लगाई है, तो इसकी प्रैक्टिस करी है। और रैशनल नंबर में हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, जीरो की आइडेंटिटी पढ़ी, वन की आइडेंटिटी पढ़ी। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके एनसीईआरटी के हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी, अब आप इसको रिवाइज करिए।